हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे देखिए, मैं कपड़ा ली हूँ जो कि सूट जो सिली थी उसी में से एक बस कपड़े का टुकड़ा बचा हुआ है इस तरीके का। तो इसको ना सबसे पहले कट करके और बराबर करना है। और ये कपड़े का कलर इतना सुंदर लग रहा है ना कि मैं सोची कि इसका कुछ नया ट्राई किया जाए। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, इस बहुत ही काम का चीज़ मैं बना करके रेडी की हूँ। तो इस तरीके से कपड़े को कट करके और आपस में जोड़ करके मैं एक पीस तैयार की हूँ जिसकी चौड़ाई 9 इंच है और लंबाई 12 इंच है। और ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे देखिए, ये ना पुराना पड़ा हुआ जो फॉर्म सीट होता है, रबड़ वाला फॉर्म सीट, वो है जो हम सलवार के मोहरी पे लगाते हैं, वो पड़ा हुआ था। तो उसी को मैं बीच में दूंगी फॉर्म की जगह पे। आप चाहें तो आपके पास अगर कोई चावल या गेहूं के जो बोड़ी है या प्लास्टिक सीट है, कुछ भी डाल सकते हैं, या मार्केट से जो थैला मिला होता है वो। और सबसे नीचे लाइनिंग के लिए मैं इस्तेमाल की हूँ एक पुराना कुर्ती का कपड़ा। और इस तरीके से तीनों को इस तरीके से रखने के बाद सबसे नीचे लाइनिंग रखेंगे और बीच में रबर सीट रखी हूँ और ऊपर मेन कपड़ा रख करके पिनअप कर लेना है। अब इसके ऊपर सब देखिए क्या करना है, इसी तरीके से सीधी सीधी थोड़ी थोड़ी दूरी पे सिलाइयाँ लगानी है, दो दो तीन तीन इंच की दूरी पे सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद फिर चौकोर में सिलाई लगा देंगे, बॉक्स के जैसा क्विल्ट कर लेना है कपड़े को, आपस में सील करके अटैच करना है। देखिए इस तरीके से सिल लेना है। सील करके बाहर के साइड से जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा था उसको मैं कट करके हटा दी हूँ। अब इसका फिक्स मेजरमेंट भी देख लीजिए, इस तरीके से लंबाई में है 12 इंच और चौड़ाई में 9 इंच है। तो इतना ही हमें लेना है, बस इसी का मेजरमेंट लेना है। और इस देखिए, इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद ये रेडी हो चुका है। अब जहाँ से मैं कपड़े को ज्वाइंट की थी ना, जो मेन कपड़ा छोटा था उसको ज्वाइंट करके जो बड़ा की थी, उसके ऊपर मैं इस तरीके का देखिए कॉन्ट्रास्ट कलर का लेस अटैच कर रही हूँ ताकि और भी ये सुंदर लगे। आप चाहें तो अपने पसंद से इसको कैसे भी, मतलब लेस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना नहीं भी लगा सकते। तो ये मेरे पास लेस ऐसे ही पड़ा होता तो इसका भी रीयूज हो जा रहा है। अब एक लेस और मैं दे रही हूँ उसी के थोड़े से दूरी पर, अंदाजे से लगा लें। यहाँ पे मैं ऊपर वाला जो था उसकी दूरी थी 3 इंच पे, और उसके बाद फिर से मैं 3.5 इंच की दूरी पे या 3 इंच की दूरी पे इसी तरीके से लेस को अटैच कर लेना है। अब ये देखिए ब्लैक कलर का लेस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब इस तरीके से क्विल्टेड पीस को फोल्ड करना है और किसी भी साइड से देखिए फोल्ड करके पहले बराबर कर लेंगे और थोड़ा सा राउंड शेप में इसको कट कर लेना है। पहले मार्किंग कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से ऊपर के साइड से हल्का सा घुमाव देते हुए राउंड शेप में निशान लगाना है और इसको कट कर लेंगे। अब इस तरीके से कटिंग हो चुकी है। ये वाली कटिंग एक ही साइड करना है, दोनों साइड नहीं करना है। अब यहाँ से जहाँ से राउंड शेप कट किया हुआ है ना, वहीं से 4 इंच पे मार्किंग करना है। अब 4 इंच पे मार्किंग करके इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेना है। अब इसको कट करना है। तो अगर आपके पास जो भी छोटा बड़ा कपड़े का जो टुकड़ा बचा होता है, ब्लाउज पीस का, सूट पीस का, तो उसको ना बहुत ही बढ़िया से आप रीयूज कर सकते हैं और बहुत ही काम का चीज़ बना करके रेडी भी कर सकते हैं। बस थोड़े समय में ही और ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च होता है, घर में पड़े पड़े चीज़ों से ही आप रीयूज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमें जिप अटैच करना है, जिप को उल्टा करके रखना है, सीधी सिलाई लगानी है, उसको बाद पलट करके टॉप की सिलाई यानी कि जो चाप वाली सिलाई होती है वो लगा देनी है। दोनों में इसी तरीके से जिप अटैच करना है, बीच में रनर डाल देंगे। रनर डालने के बाद जितना भी जिप एक्स्ट्रा आ रहा है दोनों साइड से उसको कट करके बराबर कर लेना है। मैं सच बता रही हूँ, ये कपड़े का कलर मुझे इतना सुंदर लग रहा है ना कि अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ उस टाइम ये देख करके अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर ये कपड़े का कलर है और ये प्योर कॉटन है, एक सूट सिली थी उसी का बचा हुआ प्योर कॉटन है कपड़ा। और कपड़ा भी की क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छा था। अब ये देखिए नीचे जो चौकोर इस तरीके की जो बराबर पीस पड़ी हुई है वहाँ से भी हमें जिप अटैच करना है। जिप में हुक मैं डला ही छोड़ दी हूँ इस तरीके से। अब इसके ऊपर भी टॉप की सिलाई लगा देनी है। ये देखिए गाइस, इस तरीके से टॉप की सिलाई लगा देनी है इसी तरीके से। अगर आपको वीडियो में कहीं अगर कोई चीज़ समझ में ना आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब इससे थोड़ा सा लंबा साइज में यानी कि 1 इंच बढ़ा करके और एक और हमें कपड़ा लेना है। यहाँ पे मैं शर्ट का, पुराना शर्ट का कपड़ा हुआ था उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि कपड़ा ठीक ठाक है, ज़्यादा ख़राब नहीं है क्योंकि इसमें लाइनिंग की लगाना है। अभी देखिए इस तरीके से कपड़े को सीधे साइड से रख करके इसके ऊपर भी जीप अटैच करने लेना है, जो प्लेन कपड़ा है वो लाइनिंग के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर इस तरीके से सीधी सिलाई लगा करके जीप अटैच कर लेना है। ध्यान रखिए जो लाइनिंग हम यूज करेंगे ना वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जो मेन कपड़ा है उससे 1 से 2 इंच लंबाई में बड़ा होना चाहिए। अब ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगने के बाद ऊपर से क्या करना है, इसमें हल्का सा, ये देखिए 1/2 इंच से भी कम,
थोड़ा सा पाइपिंग जैसा निकाल करके इसको सेट करके इसके ऊपर टॉप की सिलाई लगा देनी है। इसीलिए 1 इंच बड़ा रखना है कपड़े को, क्योंकि यहाँ पाइपिंग के जैसा निकालना है। ये देखिए, आप अपने कलर हिसाब से अपना कलर रख सकते हैं कपड़े का, ताकि और भी देखने में अच्छा लगे। मैं इसको इसलिए लगाई हूँ, ये कपड़ा थोड़ा मजबूत है, ज़्यादा दिन तक चलेगा। ख़राब कपड़ा लगाने से क्या होता है कि मेहनत भी बेकार जाता है। अब इसके बाद तीनों साइड हम सिलाई लगा करके अटैच कर देंगे। देखिए, इसी तरीके से तीनों साइड सिलाई लगा करके यहाँ पे अटैच कर लेना है। अब जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसको कट करके हटा देंगे। अब ये देखिए, जहाँ से राउंड शेप दिया हुआ है ना, वहाँ से 3 इंच पे मार्किंग करना है। अब यहाँ से नीचे से जहाँ से पाइपिंग लगा हुआ है वहाँ से 4.5 इंच पे मार्किंग करना है, यानी कि 4 इंच और आधा इंच, 4.5 इंच पे मार्किंग करना है। इन मार्किंग को सीधा कर लेना है, इस तरीके से जो लाइन ड्रॉ है उसको सीधा करके बराबर कर लेंगे। अब जो सीधा मार्किंग हुआ है ना, उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। दोनों मार्किंग पे बस सीधी सिलाई लगा देनी है। अभी देखिए, जहाँ से ये सिलाई हुआ है ना, उसको इस तरीके से पकड़ना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ, बस इस तरीके से पकड़ना है बराबर वाले पीस को, और इसके ऊपर यहाँ से वहाँ तक सिलाई लगा करके अटैच कर देंगे। ये देखिए गाइस, इस तरीके से दोनों साइड सील करके अटैच कर लेना है। अब इस तरीके से 2 पैकेट हो चुका है, यहाँ पे 3 पैकेट बन गया है, 2 जीपर वाला है, 1 बिना जीपर का है। अब इसके ऊपर पाइपिंग लगा करके फिनिश कर देंगे। अब पाइपिंग के लिए मैं ली हूँ ब्लैक कलर की पट्टी, उरेब पट्टी लेनी है, जिसकी चौड़ाई 2 से 2.5 इंच रख सकते हैं। अब इस तरीके से हमें पाइपिंग को अटैच करना है, इधर साइड से जहाँ से लाइनिंग का कपड़ा दिख रहा है ना, बस उधर साइड से ही, नीचे के साइड से जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को लेकर के अंदर के साइड फोल्ड करते जाना है। और जहाँ पे ये एंड होगा वहीं पे फिर से अंदर के साइड से फोल्ड करना है, और इसी तरीके से पूरे पे पट्टी लगा देनी है उरेब वाली। अब जहाँ से ये राउंड है वहाँ पर हमें छोटे छोटे 2-3 कट लगा देने हैं, ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। अपना कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से मिला सकते हैं। मैं ब्लैक कलर का लैस लगाई थी, इसीलिए ब्लैक कलर की पाइपिंग लगा दे रही हूँ, और पिंक और गोल्डन कलर का मेन कपड़ा है, इसीलिए ज़्यादा सुंदर लगेगा, इसलिए मैं ब्लैक लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। अब ये देखिए, दूसरे साइड भी इसको टर्न करके हल्का सा अंदर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ पट्टी लगा करके रेडी कर लेंगे। जितने फिनिशिंग से पट्टी लगेगी उतनी ही अच्छा देखने में इसका लुक लगेगा। अब ये देखिए, पट्टी लग चुकी है, पाइपिंग यहाँ पे मैं लगा करके रेडी कर ली हूँ। अब ये देखिए, ऊपर से जो राउंड शेप है वहाँ से बीच का इसका सेंटर निकालना है इस तरीके से, और ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे देखिए मैं बीच में एक मार्किंग कर दे रही हूँ। यहाँ पर मैं वेलक्रो इस्तेमाल कर रही हूँ लगाने के लिए। आपके पास अगर जो मैग्नेट बटन होती है, अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहें तो मैं तो यही कहूँगी कि मैग्नेट बटन ही लगाइएगा। मेरे पास फ़िलहाल नहीं था, तो मैं यहाँ पे वेलक्रो का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसी तरीके से छोटा सा वेलक्रो का पीस कट करना है, अब इसको यहाँ पे अटैच कर देना है। अब जो दूसरा सिरा है इसको इस तरीके से रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे दूसरा वेलक्रो पीस अटैच करने के लिए। अब जीप को खोल लेना है, रनर को खोल लेंगे और इस तरीके से पकड़ के और इसके ऊपर स्टिच कर देंगे, तो ये भी अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए गाइस, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा पर्स बन करके रेडी हो चुका है। और पर्सनली ये वाला पर्स मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो 3 पैकेट हमारे पास आ जाते हैं, 2 जीपर वाला है, 2 चैन वाला है, और 1 बिना जीपर वाला है, ओपन है। एक में आप मोबाइल रख सकते हैं, कार्ड रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं, और बहुत ही सुंदर ये पार्टी वियर